हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल्स के बीच में। तो जो बेसिस ऑफ डिफ्रेंशिएशन है वो है न्यूक्लियस। तो किस में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और किस में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो पहले बात करते हैं प्रोकैरियोट सेल्स के बारे में। प्रोकैरियोट सेल्स क्या है? फर्स्ट फॉर्म सेल्स, हैंस नोन एज प्रोकैरियोट, जो कि पहली फॉर्म हुई हुई सेल्स हैं। प्रोकैरियोट में प्रो मीन्स प्रिमिटिव या प्राचीन, जो बहुत पहले फॉर्म हुई थी वो सेल्स हैं प्रोकैरियोट सेल्स। और अब बात करते हैं यूकैरियोट सेल्स के बारे में। जो यूकैरियोट सेल्स हैं वे क्या है? फॉर्म आफ्टर प्रोकैरियोट सेल्स। जो प्रोकैरियोट सेल्स के बाद फॉर्म हुई सेल्स हैं उनको बोलते हैं यूकैरियोट सेल्स। प्रोकैरियोट सेल्स में क्या है? न्यूक्लियस लैक्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस इसमें मेन प्रेजेंट नहीं होता प्रोकैरियोट सेल्स में। इसमें क्या पाया जाता है? जो डीएनए होता है इस सेल्स का, वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा होता है। तो वो क्या होता है? स्कैटर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, क्या है, जो डीएनए है वो पूरा साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है, ना इसकी कोई बाउंड्री है। अब आते हैं यूकैरियोट सेल्स में। न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है इसका वेल डेवलप्ड है और इसके पास अपनी खुद की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो न्यूक्लियस है वो हमें डार्क स्टेन किया हुआ है, तो इसके अंदर ही हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट सेल्स में क्या है? डीएनए इज स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। जो सेल्स के अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो उसके अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोट सेल्स के अंदर क्या होता है? डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इन वेल पैक्ड कंडीशन। जो न्यूक्लियस के अंदर हमारा, जो इंसान के अंदर होता है, सभी यूकैरियोट सेल्स, प्लांट या एनिमल सेल्स के अंदर होता है, जो डीएनए पाया जाता है वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि हाईली पैक्ड होता है। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स के, प्रोकैरियोट्स की। अदर सेल ऑर्गेनेली आर अब्सेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट। तो क्या है, जो प्रोकैरियोट सेल्स हैं उनके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर ओनली 170S राइबोसोम और मीसोसोम प्रेजेंट होती है। यहीं यूकैरियोट सेल्स की बात करें तो सेल ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट। तो सारी की सारी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। तो सारी की सारी सेल ऑर्गेनेली जो कि वेल बाउंडेड है वो प्रेजेंट होती है। अब यूकैरियोट के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। हम पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। ये सेल के लिए क्या एनर्जी जनरेट करता है। बट अब एनर्जी तो बैक्टीरिया को भी चाहिए होगी, ऐसे तो नहीं कि वो बिना एनर्जी के मूव करे। तो उसकी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं जिसको हम मीसोसोम बोलते हैं, जो कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे होंगे। तो इसको बोलते हैं मीसोसोम। ये क्या है? जो सेल मेम्ब्रेन है ना बैक्टीरिया की, वो अंदर की तरफ कोइल्ड है, मतलब थोड़ी राउंडेड शेप ले रखी है सेल मेम्ब्रेन ने, तो उससे मीसोसोम फॉर्म होती है। तो जो किसका फंक्शन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया का। जैसे हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन करता है हमारी सेल्स के अंदर, वैसे ही बैक्टीरिया की सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन करता है। तो एग्जांपल क्या क्या है प्रोकैरियोट सेल्स के? एग्जांपल हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। और जो यूकैरियोट के एग्जाम्पल हैं वो प्लांट सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं। तो होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।